मेरा नाम डॉक्टर राकेश सिंह है, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गोल्डन आवर्स की। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो होती है गोल्डन आवर्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी इमरजेंसी कंडीशंस में है और अगर वो हमारे पास एक घंटे के अंदर आ जाते हैं तो जो उसका आउटकम है, जो उसकी रिकवरी चांसेस हैं, वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो कितना डिले के बाद हमारे पास आते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो पहली एग्जांपल मैं लूँगा पैरालिसिस को। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है और वो विद इन वन आवर यानी कि एक घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनका इवेलुएट करके MRI करा करके और अगर कंडीशन प्रेफरेबल है तो हम उसको एक ऐसी दवाई दे सकते हैं जिसमें उसके पैरालिसिस यानी कि जो अंग में कमजोरी आ गई है उसके रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही ब्राइट होते हैं। तो अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे हार्ट अटैक की। किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो जाता है और वो हमारे पास एक घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है यानी कि जो खून की नालियों में रुकावट आ जाती है हम उसको PTCA करके दूर कर सकते हैं ताकि उसके खून की नाली का जो रुकावट वाला था उसमें ब्लड दोबारा से फ्लो करने लग जाए और वो नियरली सेम कंडीशंस में आ जाए जैसा कि वो पहले था। तीसरा मैं लेता हूँ एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जिसमें कि शरीर में चोट लगती है। ऐसे में अगर वो पेशेंट हमारे पास एक घंटे में आता है तो चाहे वो उसके ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट है या उसको छाती में चोट है जहाँ पे खून आ गया है या एब्डोमेन में चोट है जहाँ पे कि ब्लड फ्लो हो गया है, ऐसे कंडीशंस में एज सून एज पॉसिबल अगर हम उसका ब्लड का जो मेन सोर्स है जहाँ से ब्लड आ रहा है अगर हम उसको रोक देते हैं तो उसके रिकवरी चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। जो इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसको सेप्सिस कहा जाता है। लेट्स सपोज कि कोई पेशेंट है और इसमें सेप्सिस में भी अगर हम एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट है विद इन वन आवर दे देते हैं तो लिटरेचर से इसकी रिकवरी चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं एज कम्पेयर टू कि वो जितना डिले करेगा। तो यहाँ पे हमें इस गोल्डन आवर्स की इम्पॉर्टेंस को समझना है और इसके अकॉर्डिंगली मुझे आपसे यही अपील करनी है कि अगर किसी को कोई भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो वो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने की कोशिश करें। धन्यवाद।